लालू प्रसाद अगर निकल जाता है तो लालू प्रसाद की सरकार बनेगी। ये जैसे जैसी बात बोले थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नए अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए। 120 रुपये प्याज खा रहे हैं, 200 रुपये लहसुन खा रहे हैं, अच्छे दिन आ गए। 42-44 रुपये चीनी खा रहे हैं, अच्छे दिन आ गए। सरकार हम लोग लालू प्रसाद को चाहते हैं, निकल जाएंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी, चूँकि वो गरीबों के मसीहा थे, हैं और रहेंगे। जब ये मोदी जीते थे कहीं के अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं है कि 150 रुपये प्याज खा रहे हैं, 200 रुपये लहसुन खा रहे हैं। कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, सब आदमी परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। मैडम बदलाव होना चाहिए। नीतीश कुमार इनके अंदर घमंड आ गया है, जो सोचते हैं वही करते हैं। सियासत के चलते उनको अंदर रखा जा रहा है, किस तरह का उनका इलाज विशेष नहीं किया जा रहा है। वो गरीबों का मसीहा, गरीब को उठाने का उनका 100% हाथ है। और जहाँ तक इस सरकार की बात है, नीतीश सरकार तो सबसे ख़त्म सरकार है, चूँकि इसको गद्दी चाहिए इसलिए इसने भाजपा को साथ ले लिया है। और हम चाहते हैं कि आरजेडी बीजेपी के साथ जाए, आरजेडी बीजेपी के साथ जाए और इसको लात मार के हटा दे। जनता आरजेडी के खिलाफ है, आरजेडी के सारी काली करतूत को जनता जानती है, इसको आने और नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेल याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है रांची हाईकोर्ट ने। वहीं दूसरी तरफ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जो है जगदानंद सिंह, उनका ये कहना है कि ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। उनका ये स्टेटमेंट है कि अगर लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाते हैं तो विधानसभा चुनाव में राजद का पलड़ा भारी हो सकता है, जिसकी वजह से दूसरी पार्टी की दबाव न्यायालय पे है, इसकी वजह से उनको बेल नहीं मिल पा रही है। क्योंकि वहीं पर दूसरी तरफ शुक्रवार को ही जगदीश शर्मा को, जो जदयू के हैं, उनको चारा घोटाला केस में वो भी अंदर थे, जिनको बेल मिल चुकी है। तो आइए जानते हैं पटना के लोगों से कि उनका क्या मानना है, क्या उनको भी यही लगता है कि लालू प्रसाद यादव को विधानसभा चुनाव से पहले बेल नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं, क्या आपको ये लगता है कि लालू प्रसाद यादव को अगर बेल मिल जाती, जो शुक्रवार को उनकी याचिका खारिज कर दी गई, बेल मिल जाती तो विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है? 120% असर पड़ेगा। लालू प्रसाद अगर निकल जाता है तो लालू प्रसाद की सरकार बनेगी जी। तो इससे दूसरी पार्टी को इस चीज़ का डर है जिसकी वजह से उनको नहीं निकलने दिया? हाँ, दूसरी पार्टी को डर है इससे। ये किंग है, हम लोग का रहबर है, गरीबों का मसीहा है जी। जिस तरीके से शुक्रवार को ही जगदीश शर्मा, जो जदयू के हैं, वो भी चारा घोटाला केस में अंदर थे, जिनको बेल मिल गई, लेकिन वहीं पर लालू प्रसाद का खारिज कर दिया। यही तो प्रूव कर रहा है मैम, ये प्रूव कर रहा है कि इनके साथ जो है भेदभाव है। कानून सबके लिए समान है, एक को चोरी में बेल दिया जा रहा है, दूसरे को चोरी में अंदर रखा जा रहा है। सेम केस है, ये तो क्लियर है, ओपनली है, ओपन है। भाजपा की सरकार आने के बाद कानून पे से लोगों का भरोसा उठना शुरू हो गया है? वो तो देखने की चीज़ है, सब लोग देख रहे हैं कि कोई चीज़ का लिमिटेशन नहीं है। ये जैसे जैसी बात बोले थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नए अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए। 120 रुपये प्याज खा रहे हैं, 200 रुपये लहसुन खा रहे हैं, अच्छे दिन आ गए। 42-44 रुपये चीनी खा रहे हैं, अच्छे दिन आ गए। चाचा आप बताइए, आपका क्या कहना है इसकी? बात सपोर्ट कर रहा हूं। फिर भी आपका, अगर आप, क्या आपको लगता है कि अगर लालू प्रसाद आज भाजपा से मिल जाए, राजद अगर भाजपा से आज मिल जाए तो उनको बेल मिल जाएगी? मैं कहने का मतलब, सरकार हम लोग लालू प्रसाद को चाहते हैं बस, इतना ही। और इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लालू प्रसाद की सरकार? हाँ, निश्चित है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद को बेल इसलिए नहीं मिल रही है कि अगर वो बाहर निकल जाएंगे तो विधानसभा चुनाव में उनका पलड़ा भारी हो सकता है? बेशक यही बात है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। और निकल जाएंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी, चूँकि वो गरीबों के मसीहा थे, हैं और रहेंगे। और उन्होंने गरीबों को आवाज़ दिया, भाजपा की सरकार में तो गरीबों को दबाया जा रहा है, महिलाओं की का शोषण किया जाता है, बलात्कार किया जा रहा है, और उसको दबाने के लिए दूसरा मुद्दा उठा दिया जाता है। जो करंट मुद्दा है उसको दबा करके दूसरा मुद्दा उठा दिया, NRC लाएंगे तो फला कानून लाएंगे तो ये काम करेंगे। जब ये मोदी जीते थे कहीं के अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं है कि 150 रुपये प्याज खा रहे हैं, 200 रुपये लहसुन खा रहे हैं। कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, सब आदमी परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। मैडम अगर, क्या अगर लालू प्रसाद यादव विधानसभा चुनाव तक जेल में रह जाते हैं तो क्या उनके जो दोनों बेटे हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप, वो उनकी सियासत संभाल सकते हैं? बेशक संभालेंगे, तेजस्वी प्रसाद है, उनके पास क्षमता है, संभालेंगे वो।
और युवा पीढ़ी हम लोग उनके साथ दे रहे हैं, उनको आवाज़ दे रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बने बिहार के। बदलाव होना चाहिए। नीतीश कुमार इनके अंदर घमंड आ गया है, जो सोचते हैं वही करते हैं। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है, प्रजातंत्र में प्रजा की शासन होने चाहिए। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लेकिन यहाँ वन मैन डेमोक्रेसी, वन मैन गवर्नमेंट चल रहा है यहाँ, चाहे वो सेंटर की सरकार हो या बिहार की सरकार। गरीब की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, महिलाओं को दबाया जा रहा है, महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा है, उन पर कोई ध्यान नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के सिर्फ नारा देते हैं, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। किसानों का कहा था इन्होंने दुगुना आमदनी कर देंगे, आज किसान आत्महत्या करने पर वो मजबूर है, आत्महत्याएँ कर रहा है। क्या विकास हुआ, रोड पर आ गए किसान लोग। धन्यवाद सर। तो आप बताएं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे दूसरे, आप, मैं आपको बता दूं, हरियाणा का ही एक उदाहरण बता दूं, दुष्यंत चौटाला के पिताजी तिहाड़ जेल में थे। जिस दिन दुष्यंत चौटाला मोदी भाजपा सरकार से हाथ मिलाए, उनके पिताजी को पेरोल पे बेल मिल गया। तो क्या लगता है कि अगर लालू प्रसाद यादव, राजद अगर भाजपा से मिलती है तो उनको बेल मिल सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, अगर हाथ मिला लें तो हो सकता है, लालू यादव को भी बेल हो सकता है जी। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो हैं वो बहुत ही अपने बातों पे अडिग रहने वाले हैं, उनका ये कहना है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते हैं जो भी। तो क्या विधानसभा चुनाव तक उनको जेल में ही रहना पड़ सकता है? ऐसा जो रूलिंग पार्टी ऐसा चाहती है, उनको अंदर ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि बाहर आने से कुछ बदलाव आ जाएगा, बहुत बदलाव आ जाएगा। एक तरफ लालू प्रसाद जी की, लालू प्रसाद की तबीयत खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन जेल में, उनको एक अच्छे इलाज की जरूरत है, जेल में इलाज होता है लेकिन उनको उससे भी ज़्यादा अच्छे इलाज की जरूरत है। दूसरी तरफ ये सियासत गर्म है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर, आप इससे कितना सहमत? 100% ये बात सही है, सियासत के चलते उनको अंदर रखा जा रहा है, किस तरह का उनका इलाज विशेष नहीं किया जा रहा, वो गरीबों का मसीहा, गरीब को उठाने का उनका 100% हाथ है। और हमारे एक सर्वश्रेष्ठ नेता थे गरीब को उत्थान करने के लिए, ऐसा अभी तक हमारे बिहार राज्य में कोई उत्थान नेता नहीं आए। देखिए, जहाँ तक बेल का सवाल है, ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट जिसको जायज़ समझेगी बेल देगी, जिसको जायज़ नहीं समझेगी उसको बेल नहीं देगी जी। और जहाँ तक इस सरकार की बात है, नीतीश सरकार तो सबसे ख़त्म सरकार है, चूँकि इसको गद्दी चाहिए इसलिए इसने भाजपा को साथ ले लिया है। आज यदि यही क्या कहते हैं राजद के साथ चला जाए तो ठीक है, लेकिन ये नीतीश सरकार तो सबसे ख़त्म सरकार है, ये तो जो सही आदमी है उसको रोड पर ला के खड़ा कर दिया है। हम लोग टीचर हैं और हम लोगों को एक साल से हमारा बच्चा रोड पर टहल रहा है, हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है, जबकि हम लोग बजाबते फर्जी डिग्री धारी है इस बिहार में, 1.5 लाख फर्जी डिग्री धारी बिहार में 1.5 लाख है, उसको हिम्मत नहीं छूने का इसको हो रहा है नीतीश कुमार को। और हम लोग सही जो पढ़ के आए हैं, लिख के आए हैं, ट्रेनिंग करके आए हैं सोगरा कॉलेज से, हम लोगों को टर्मिनेट करके और रोड पर टहला रहा है। हमारा हाई कोर्ट से हम लोगों को डिग्री मिला हुआ है, हम लोग फिर भी हम लोगों को नहीं दे रहा है, हम लोगों का बाल बच्चा रोड पर टहल रहा है, कैसा न्याय है? कैसा न्याय है? नीतीश कुमार तो सबसे ख़त्म, ये तो सरकार में रह लेगा ना, और इसमें 15 साल से ही रह गया है, इसको घमंड भी हो गया है। और हम चाहते हैं कि आरजेडी बीजेपी के साथ जाए, आरजेडी बीजेपी के साथ जाए और इसको लात मार के हटा दे। मैम, न्यायालय के फैसले पे सवाल काफ़ी उठ रहे हैं, ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक साबित होने जा रहा है, क्योंकि न्यायालय का फैसला जनता की नज़रों में अपना अहमियत खो रहा है। हम एक रिक्वेस्ट करेंगे न्यायालय से, आपके माध्यम से न्यायालय से रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि अपनी अहमियत को बरकरार रखने के लिए न्यायालय न्याय सही तर्कसंगत दे कि एक आरोपी बरी हो जाता है और दूसरा मुजरिम करार दिया जाता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देने दें जी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी आपकी बात, आपने जो कहा उस पर, हरियाणा में जो दुष्यंत चौटाला जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने जिस दिन भाजपा से हाथ मिलाया उसी दिन जो उनके पिताजी तिहाड़ जेल में जीबीटी घोटाले के केस में सजा काट रहे हैं, उनको पेरोल पे दिवाली की रात में ही बेल मिल गई। तो क्या आपको भी लगता है कि अगर लालू प्रसाद यादव
भाजपा से हाथ मिलाते हैं तो उनको भी बेल मिल सकता है? बिल्कुल निश्चय ही, ये हथियार ही बीजेपी ने अपनाया है कि अपने विरोधियों को डराओ अपने पास रखो। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, अब डंडे के सहारे सरकार चलाने की व्यवस्था हमारे देश में कायम हो रही है, जो बहुत खतरनाक साबित होने जाएगी। और जनता विद्रोह पे जब आएगा तो एक नया क्रांतिकारी की तरफ भाजपा को भगाना पड़ेगा इस देश से। केस का अलग अलग सिस्टम होता है, लालू जी पर किस तरीके का केस फैसला हुआ है उन पे पहले से वो अपना अपील दायर किए हुए थे, अब उसी टाइम उनको बेल मिला तो इस तरीके का झेलना पड़ रहा है कि काहे वो छूट गए, भाजपा की सरकार बन गई इस वजह से छूट गए। और लालू प्रसाद का क्या मामला हो तो न्यायालय जानेगा। क्या लालू प्रसाद अगर बाहर आते हैं जेल से बेल पे तो क्या विधानसभा चुनाव पे राजद का पलड़ा भारी हो सकता है? तो फर्क तो पड़ता ही है, जो संचालन है अब वही आदमी बंद है जेल में तो उससे तो फर्क पड़ता ही है। अब केस के मामला में तो भाई हत्या का केस भी होता है तो किसी को फांसी होता है, किसी को उम्र कैद होता है, किसी को बरी किया जाता है, तो केस का अलग अलग सिस्टम होता है। इसके वजह से भी न्यायालय को सोचना पड़ता है कि किसको छोड़ा जाए किसको नहीं छोड़ा जाए, इसमें सरकार को क्या दोषी दिया जाएगा। एक और बात, जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में जो अजीत पवार हैं उन पे भी सिंचाई घोटाले का 70,000 करोड़ का घोटाले का केस उन पे लगा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया उनको क्लीन चिट मिल गया उसमें। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के हैं, उनको उन्होंने जैसे ही भाजपा से हाथ मिलाया उनके पिताजी को पेरोल पे बिल मिल गया तिहाड़ जेल से। तो आपने कहा न्यायालय के फैसले पे अगर भरोसा रखना है तो लालू प्रसाद को क्यों नहीं मिल रही है? साक्ष्य भी बहुत मायने रखता है, उनके जिसे निचली अदालत या लोअर कोर्ट आपको कहीं पे सजा सुनाया है, अब ऊपर में हाई कोर्ट गया आदमी, सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ पे साक्ष्य समझ में जिस तरीके का आता है उस तरीके का न्यायालय फैसला देता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। जनता आरजेडी के खिलाफ है, आरजेडी के सारी काली करतूत को जनता जानती है, इसलिए आने और नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता बीजेपी यूनाइटेड का गठबंधन के साथ है, उनको विजय मिलेगा, वो बाहर है चाहे भीतर है। लालू जी का पकड़ है देहातों में, हाँ वोटर को, तो अगर वो बाहर आते तो विधानसभा चुनाव में असर हो सकता था। ये तो नहीं है कि मुख्यमंत्री हो जाते, लेकिन बढ़िया उनका रास्ता अच्छी है, जनता के बीच में है उनका पकड़। तो जैसा कि आपने लोगों का सुना कि वो न्यायालय के फैसले पे तो सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन उनका ये जरूर मानना है कि अगर लालू प्रसाद यादव बाहर आ जाते हैं बेल पे तो विधानसभा चुनाव में राजद का पलड़ा जरूर भारी हो सकता है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव विधानसभा चुनाव से पहले उनको बेल मिले। बहरहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ, हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।